दोस्तों थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, आज हम लोग एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रैवल कंट्रोलर को बनाने वाले हैं। कुछ इस तरीके का हम लोगों को 100K का पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा, जिसमें से लास्ट वाले टावर को मैंने शॉर्ट करके रखा है। और यहाँ पे दो देख सकते हैं कि आपका चार टर्मिनल है, दो उस साइड में और दो इस साइड में। ये आपका लेफ्ट और राइट चैनल के लिए होता है। फर्स्ट वाला आपका इनपुट है और सेकेंड वाला जो है वो आपका आउटपुट के लिए है। तीनों के तीनों पोटेंशियोमीटर मैंने 100K का लिया है, आप चाहो तो 50K तक भी ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग लेंगे दो 103 PF और दो 104 PF, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। मैं आपको डिटेल वन बाय वन कंपोनेंट दिखाता भी जाऊंगा और साथ में इसको डिस्क्राइब भी करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल के साथ हम लोग एक 103 PF को कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का एक चैनल के लिए। अब दूसरा चैनल के लिए भी हम लोगों को और एक PF लगाना पड़ेगा, उसको भी हम लोग 1 और 2 टर्मिनल के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का PF लगाने का पार्ट। उसके साथ हम लोग लेंगे 4.7K का रजिस्टर। ये भी हम लोगों को दो चाहिएगा, क्योंकि हम लोग डुअल चैनल वाला बनाने वाले हैं। तो एक को हम लोग इसका जो आउटपुट है बीच वाला टर्मिनल, ये होता है आउटपुट के लिए, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया एक चैनल के लिए। अब दूसरे चैनल के लिए भी हम लोगों को दूसरा साइड में और एक इसी तरह का 4.7K का रजिस्टर को आपको लगाना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ से ही इसका आउटपुट निकालेंगे, और जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो होता है इनपुट के लिए। तो ये हो जाने के बाद हम लोग का ये जो बेस का सर्किट है ये बन के तैयार हो गया है। अभी चलो ट्रैवल का भी बना लेते हैं। इसमें हम लोग 104 PF को कनेक्ट कर देंगे सेकेंड वाले टर्मिनल पे। ये आपका आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा और यही से हम लोगों का आउटपुट निकलेगा। और इसी तरीके से दूसरे साइड में या फिर सेकेंड चैनल के लिए भी हम लोग और एक 104 PF लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद हम लोगों का ट्रैवल वाला भी बन के कम्प्लीट हो जाता है। अभी आता है हम लोगों का दूसरा पार्ट, जो है हम लोग इसका जो आउटपुट निकालेंगे वो हम लोगों को इसके रजिस्टर से ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ट्रैवल और बेस का जो कनेक्शन है उसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे, और इसी के सेंटर से हम लोगों को आउटपुट निकलेगा। वो मैं वन बाई वन आपको बताता जाऊंगा, आप देख पाएंगे, और हम लोग उसका साउंड टेस्ट भी करेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ग्राउंड को हम लोग कुछ इस तरीके का एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे, जिसको मैंने शॉर्ट करके रखा है। अब तीनों में किसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ट्रैवल वाले को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बेस का जो ग्राउंड है उसके साथ भी सेम वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और यही वायर को हम लोग वॉल्यूम के जो ग्राउंड है उसके साथ भी कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी मेहनत लगता है ये सारे वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग चैनल पे अगर नए आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सर्किट जो है पूरा बन के तैयार है। आप देख पाएंगे तीनों के तीनों ग्राउंड के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये हम लोग का लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का इनपुट और आउटपुट के अंदर कनेक्शन करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड चैनल, जिसको हम लोग इसके जो इनपुट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे बेस के इनपुट के साथ। और यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे ट्रैवल के इनपुट के साथ। ये हो गया हम लोगों का पूरा सर्किट जो बेस ट्रैवल और वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड को मैंने पहले ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको मैंने शॉर्ट करके रखा था। वॉल्यूम के इनपुट को मैंने बेस पे और बेस के आउटपुट से ट्रैवल के इनपुट में डाल दिया है। सेम तरीके से दोनों को आपको करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसमें जो साउंड इनपुट होगा उसको कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे
आप जो भी मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं या जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसका जो वायर है उसको आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। दोनों चैनल के साथ लेफ्ट और राइट चैनल को कनेक्ट करना है और इसका जो ग्राउंड है उसको आप लोगों को वॉल्यूम का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर देना पड़ेगा, जिसके बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। और यहाँ से हम लोगों का अभी आउटपुट निकालना है। ये हो गया इनपुट वाला सेक्शन। अब देख सकते हैं इनपुट कैसे निकाल दिया मैंने, ग्राउंड और दोनों चैनल के लिए दो चैनल का जो वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आगे इसका आउटपुट निकाल लें। आउटपुट के लिए हम लोग कोई भी ग्राउंड जो है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर लेंगे और हम लोगों का रेसिस्टेंस का जो वायर है उसके साथ दो वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें से हम लोगों का ये आउटपुट निकलेगा और यही आपका एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा। अब पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो एक बार इसका जो फंक्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप वॉल्यूम को, मैं जैसे इसको डिक्रीज करता हूँ तो ये डिक्रीज होता है और जैसे इंक्रीज करता हूँ तो ये इंक्रीज भी होता है। इसका मतलब हम लोग का वॉल्यूम वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो सही काम कर रहा है। अब आगे इसका जो बेस और ट्रेबल है इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा हेडफोन को जरूर से पहन लीजिए, क्योंकि इसका जो साउंड है वो कैमरा में कितना आ रहा है या कितना आप लोगों को सुनाई दे रहा है वो हमको समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं बेस को भी जैसे बढ़ाता हूँ तो बेस आपका इंक्रीज हो रहा है। ट्रैवल को घटा रहा हूँ तो ट्रैवल भी घट रहा है, मतलब हम लोगों का तीनों पोटेंशियोमीटर सही काम कर रहे हैं। मैं ट्रैवल को बढ़ाता हूँ, दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करो।